हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। और तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप DIY से घर में ही मेकअप रिमूवर बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा बहुत सामान लगेगा वो आपको इजीली इस लॉकडाउन में भी मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि आजकल मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। मेडिकल स्टोर से आपको एक दो चीज़ें लेनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी, बाकी सारा सामान आपके घर पर ईजिली अवेलेबल होता है। और इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप मार्केट से ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं, मेकअप रिमूवर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप घर पे इसे काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना सकते हैं। क्योंकि हम आए दिन मेकअप करते रहते हैं तो उसके लिए हमें मेकअप रिमूवर चाहिए ही होता है, क्योंकि मेकअप रिमूवर आपके जो पोर्स होते हैं उन्हें अच्छे से क्लीन कर देता है। मेकअप जो भी आपने अप्लाई किया होता है उसे अच्छे से क्लीन करता है बिफोर फेस वॉश। अगर आपने कोई मेकअप अप्लाई किया है तो उसे आप डायरेक्ट वॉश ना करें, पहले मेकअप रिमूवर से ही आप उसे क्लीन करें। इससे क्या होता है कि आपका जो फेस है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, डीप क्लीन हो जाता है, और आपके ना पिंपल एक्ने वगैरह कुछ भी होने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आइए कैसे इसे बनाते हैं घर में बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप रिमूवर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोतल चाहिए होगी। मैंने इस तरीके की बोतल ले ली है। आपके पास जो भी बोतल हो मेकअप रिमूवर बनाने के लिए आप उस तरीके की बोतल ले सकते हैं, मेरे पास इस तरीके की थी। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 स्पून कोकोनट ऑयल लेना है, 1 स्पून टू 2 स्पून। मैं 2 स्पून लूँगी यानी 2 चम्मच लूँगी, क्योंकि मुझे जो मेकअप रिमूवर बनाना है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आप स्पून से ऑयल लीजिएगा, ज़्यादा ऑयल ना लें, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल लेंगे तो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा ज़्यादा रिमूवर। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल क्वांटिटी उसी अकॉर्डिंग लेनी है जिस अकॉर्डिंग आपकी स्किन हो। अगर ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम लेनी होगी। मैंने 2 स्पून इसमें ऑयल ले लिया है, ये कोकोनट ऑयल है। इसके जगह आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, अंड ऑयल ले सकते हैं, या जो भी ऑयल आपके पास हो, बेबी ऑयल हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, सरसों का तेल छोड़ के, क्योंकि वो ज़्यादा ही स्टिकी हो जाएगा, वो यूज़फुल नहीं है। तो आप या तो सबसे बेस्ट है नारियल का ही तेल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल। इसके बाद हमें ऐड क्या करना है, या तो आप शैम्पू ले सकते हैं नॉर्मली, या फिर आप फेस वॉश ले सकते हैं। मैं इसमें जॉनसन्स का बेबी शैम्पू ले रही हूँ, क्योंकि जो जॉनसन्स का शैम्पू होता है इसमें केमिकल फ्री होता है, क्योंकि ये बेबी की स्किन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो इसमें केमिकल ना के बराबर होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि बेबी की स्किन जो होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप अपने लिए लेते हैं तो इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके फेस पर, तो आप इसे ईजिली ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मली फेस वॉश जो यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शैम्पू। मैं ऑयल से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में शैम्पू ले रही हूँ, क्योंकि शैम्पू का थिक होना भी ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप रिमूव करने के लिए अच्छे से। आप देख सकते हैं इस तरीके से बोतल में मैंने दोनों चीज़ ऐड कर ली है। अगर आप एक जॉनसन्स का बेबी शैम्पू ले भी लेते हैं छोटा वाला, तो आप काफ़ी ज़्यादा रिमूवर उसमें बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर मार्केट से लेते हैं 300 से 400 रुपए के नॉर्मली मेकअप रिमूवर आते हैं, और इतना कॉस्टली सिर्फ मेकअप रिमूव करने के लिए भी सही नहीं रहता, क्योंकि हर कोई मेकअप रिमूवर नहीं परचेज़ करना चाहता। तो उनके लिए बेस्ट है कि वो DIY से ईजी मेकअप रिमूवर बना ले, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फेस वॉश करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेस पे आपके रह जाती हैं और प्रॉपर क्लीन नहीं होती। आप नॉर्मली फेस वॉश 2 या 3 बार भी कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और जो भी आपके स्किन में मॉइस्चर रहना चाहिए वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, रिमूवर से रिमूव करना है, देन उसके बाद ही फेस वॉश करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन, क्योंकि आप ग्लिसरीन जो होता है फेस को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, और काफ़ी उस वो फेस को जो है मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है फेस का। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ग्लिसरीन कम लीजिएगा, अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई स्किन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है ग्लिसरीन। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो पूरा 1 चम्मच आपको पूरा 1 स्पून इसमें ऐड करना है, अदरवाइज़ आप 1/2 स्पून कर सकते हैं ऐड इसमें अगर आपकी स्किन ऑयली है। अगर ड्राई स्किन भी है तो 1 चम्मच से ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि ये ज़्यादा चिपचिप हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा ग्लिसरीन थोड़ा सा थिक होता है, तो ये चिपचिप ज़्यादा कर देगा आपके फेस को। तो ये याद रखें कि आपको सिर्फ 1 स्पून ही ऐड करना है, अगर ऑयली स्किन है तो 1/2 स्पून ही ऐड करना है। अब मैंने इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लिया है इसमें। इसके बाद मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी। ये रोज़ वाटर होममेड है, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर जाके देखिएगा। इसे भी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है DIY से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बाहर से लाने की जगह हम घर में इजीली बना सकते हैं, तो हमारे जो है पैसे भी सेव हो जाएंगे इससे, और हमारा जो प्रोडक्ट है 100% जेन्युइन बनेगा।
तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें अब रोज़ वाटर ऐड कर दिया है। मैं इसमें रोज़ वाटर अच्छे से ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास हाफ था ये, तो मैंने पूरा ही ऐड कर लिया। जब मैंने पहले भी मेकअप रिमूवर बनाया था तब भी मैंने ये यूज़ किया था और काफ़ी सारी चीज़ों में रोज़ वाटर यूज़ हो जाता है क्योंकि ये फेस का पीएच बैलेंस लेवल रखता है और काफ़ी ज़्यादा फेस को हाइड्रेट रखता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है ये आपके मेकअप को रिमूव करने के लिए भी और फेस को मॉइस्चराइज रखने के लिए भी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 1 कप या 1 ग्लास वाटर ऐड करना है। इसमें मैंने प्लेन वाटर ऐड किया है, इसमें कोई भी वाटर ऐसा नहीं है कि अलग से आपको ऐड करना है, प्लेन वाटर आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आप वाटर को ऐड करते हैं उससे पहले उसे अच्छे से बॉईल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फेस की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। तो अगर आप उसे पहले अच्छे से बॉईल कर लें उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद आप यूज़ करें, ये नहीं कि आप गरम गरम शीशी में पलट दें, उसे ठंडा करने का वेट करना है देन उसके बाद यूज़ करें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसका इफेक्ट आपको फेस में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप मेकअप रोज़ करते हैं और इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं उनको यूज़ करते हैं अपने फेस पे, तो आपको खुद दिखेगा कि इसमें सारी चीज़ें नेचुरल है, तो आपके फेस पे ना थोड़ा सा ग्लो भी आ रहा है और आपका फेस जो है हाइड्रेट भी हो रहा है क्योंकि आपने जैसे रोज़ वाटर ग्लिसरीन यूज़ किया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब सारे इन्ग्रीडियंट्स जो इसमें मैंने मिलाए हैं उनको अच्छे से मैं शेक कर लूँगी, क्योंकि शेक करने से क्या होगा, जो भी मैंने इसमें ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा का पूरा मेकअप रिमूवर रेडी हो चुका है। कभी भी आप इसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले आपको इसे शेक करना होगा। लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वह कभी थोड़ी बहुत जो थिक होती हैं चीज़ें वो नीचे बैठ जाती हैं और लाइट वाली थोड़ी ऊपर आ जाती हैं, तो शेक करने से क्या होता है उनमें सब चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो आपको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे यूज़ करने से पहले अच्छे से एक बार शेक कर लें। अब मैं आपको इसका डेमो करके दिखाती हूँ। इसमें मैं आपको एक चीज़ पहले बता देती हूँ कि मैं कॉटन पैड की जगह ये कॉटन नॉर्मली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कॉटन जो पैड होते हैं ये इसकी स्ट्रिप्स जो होती है काफ़ी महंगी मुझे लगती है कि आपको 50 to 60 rupees की आपको 30-40 स्ट्रिप्स मिलती है। और इससे क्या होता है कि हर जगह हर किसी को नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी को कॉस्टली मिलती है, किसी किसी एरिया में जो है सस्ती भी मिल जाती है, लेकिन मेरे एरिया में जो मैं बता रही हूँ वहाँ पर या तो मिलती ही नहीं है, मिलती है तो थोड़ी कॉस्टली होती है। तो मैं नॉर्मली कॉटन यूज़ कर लेती हूँ, ये ईजिली मिल जाती है, काफ़ी अफोर्डेबल रहती है और काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में मिल जाती है नॉर्मल प्राइस पर। सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने हाथ पे, क्योंकि रिमूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या लग रहा है। मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी कि आप मेकअप रिमूव करते हैं ना तो आपके क्या क्या ये अच्छे से रिमूव कर देगा। सबसे पहले मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है अपने हाथ पे। अब मैं फेस पे करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने करंट में मेकअप नहीं कर रखा है और सिर्फ एक मेकअप रिमूव करने के लिए मैं दोबारा इतना सारा मेकअप करूँ फिर उसको वेस्ट करूँ, इससे बढ़िया है मैं थोड़ा सा आपको हाथ पे करके दिखा दूँ। तो ये मेरा जो है फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है अच्छे से, अब मैं इसे थोड़ा सा सूखने देती हूँ। अब ये अच्छे से सूख चुका है और ये मैंने थोड़ा सा बेस ठीक रखा है, क्योंकि क्या होता है हम कंसीलर यूज़ करते हैं, कॉन्टोर यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें फेस पे यूज़ करते हैं, चीज़ें हम फेस पे लगाते हैं तो बेस जो है काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए मैंने थिक फाउंडेशन की लेयर रखी है जिससे कि आपको ये मेकअप रिमूवर दिख सके कि कितना अच्छे से क्लीन करता है। इसके बाद मैं आपको एक बार मस्कारा लगा के दिखा देती हूँ हाथ पे, क्योंकि हम आँखों पे भी तो मस्कारा लगाते ही हैं। इसके बाद मैं आपको लाइनर लगा के दिखा देती हूँ। इस लाइनर का भी रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लाइनर है, ये आपको 2-in-1 लाइनर भी मिल सकता है। मैंने तो ये ऑफलाइन लिया था लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो शायद मे बी ये सिंगल अवेलेबल हो, क्योंकि मुझे 2-in-1 नहीं दिखा अमेज़ॉन पे, ये सिंगल कलर इसमें अवेलेबल थे, काफ़ी सारे शेड्स थे इसमें और देखिए आप देख सकते हैं कितना डार्क है, जेड ब्लैक है। मैंने ये ऑफलाइन लिया था लेकिन मैंने जब ये देखा तो ऑनलाइन भी अवेलेबल था ईजीली, बट ये 2-in-1 नहीं था उसमें, ये सिंगल ही कलर थे सारे। अब इसके बाद मैं ये लिक्विड लिपस्टिक लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि जो लोग लिक्विड लिपस्टिक लगाते होंगे मैट की, उन्हें अच्छे से पता होगा कि इसको रिमूव करना कितना ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि ये अगर आप फेस वॉश भी कर लेते हैं ये इतनी जल्दी नहीं निकलती, और निकलती भी है तो थोड़ी बहुत निकलती है जिसके बाद थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाता है उस साइड को और ड्राई स्किन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और प्लस चिपचिप सा लिप्स और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि आप इससे भी रिमूव
रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा काजल भी ऐड कर देती हूँ मैं इसमें, पूरा चीज़ दिखा रही हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको पता चल सके ना कि क्या क्या है, इससे मेकअप रिमूव हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अप्लाई कर दी है। अब मैं इसे थोड़ा सूखने देती हूँ, ये सूख जाएगा तभी ये चीज़ें पता चलता है ना, सूखने के बाद ही चीज़ें हटती नहीं है। लिक्विड में तो इजी रहता है हटाना, लेकिन सूखने के बाद थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए मैं आपको सुखा के ही रिमूव करके दिखाऊंगी। अभी अच्छे से सूख चुका है। अब क्या करना है, अब मैं आपको मेकअप रिमूव करके दिखाऊंगी। ये रहा मेरा मेकअप रिमूवर। अब मैं पहले शेक कर लूँगी इसे, उसके बाद जो मैं नॉर्मली कॉटन यूज़ करती हूँ, कॉटन में ये थोड़ा सा ले लूँगी। देन उसके बाद मैं इसे रिमूव करूँगी। जब फिर आप मेकअप रिमूव करने के बाद फेस वॉश करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको क्लीन मिलेगा ये देखिए, क्योंकि क्लीन तो पहले ही हो गया है ये। उसके बाद कुछ भी आपके फेस पे चिपका सा नहीं रहेगा, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और अच्छे से आपकी स्किन जो है मॉइस्चर रहेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे जो बेल आइकन का बटन दे रखा है उसे प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।